अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में हम स्टार प्लस के ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली ही ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में चौथा जनरेशन लीप लाया गया और थर्ड जनरेशन लीप यानी कि हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ की एग्जिट हो गई टीवी सीरियल में। थर्ड जनरेशन लीप की एग्जिट हो गई और चौथा जनरेशन लीप के साथ समृद्धि शुक्ला और शहजादा तामी के साथ चौथा जनरेशन लीप कंटिन्यू किया गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में। लेकिन तीसरा जनरेशन लीप की अबीरा की एग्जिट से फैंस बहुत ही नाराज हो गए। अबीरा और अरमान की कहानी चौथे जनरेशन लीप से स्टार्ट की गई। सीरियल की कहानी रीमेक है चौथा जनरेशन लीप की कुसुम डोला टीवी सीरियल की। वैसे कुसुम डोला ऑलरेडी रीमेक हो चुका है स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल में। और गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल का पहला जनरेशन लीप भी बहुत ही सक्सेस हो चुका है। लेकिन डायरेक्टर कर्ट्स प्रोडक्शन हाउस यानी राजन साहिज ने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में कुसुम डोला सीरियल का रीमेक करने के लिए स्टार प्लस से कोई बातचीत नहीं की। विथाउट परमिशन राजन साही ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुसुम डोला की स्टोरी डाल दी। ऊपर से ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी भी बहुत लो हो गई जनरेशन लीप के कारण। अब सीरियल में जल्द ही कोई महामिलन दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी भी खबरें आ रही थी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु की भी एंट्री होगी। लेकिन अभिमन्यु के रोल में हर्षद चोपड़ा नहीं बल्कि कोई और सीनियर एक्टर को लिया जाएगा बड़े अभिमन्यु के रोल में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में चौथा जनरेशन लीप की लो टीआरपी के कारण अब स्टार प्लस ने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को ऑफर करने का डिसीजन लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल जनवरी फरवरी 2024 में ही ऑफर हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है और इसके बहुत ही अच्छे एपिसोड बनाए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल तो कभी ऑफर ही नहीं हो सकता। अब फाइनली ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल ऑफर हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को कौन सा सीरियल रिप्लेस करेगा उसकी बात करें तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को रिप्लेस करने के लिए स्टार प्लस प्लान कर रहा है। कोकरो एंड शेखा एंटरटेनमेंट कंपनी का एक नया सीरियल आएगा स्टार प्लस पर, वो रात 9:30 बजे का स्लॉट लेगा और ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को रिप्लेस करेगा। वैसे इस कोकरो एंड शेखा एंटरटेनमेंट कंपनी का ये सीरियल होगा उसकी कास्टिंग अभी वर्किंग प्रोसेस में है। वैसे कोकरो एंड शेखा एंटरटेनमेंट कंपनी अभी तेरी मेरी डोरिया गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस पर इसके रनिंग शो चल रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं चार जनरेशन लीप लाए गए। पहला हीना खान और करण मेहरा यानी अक्षरा और नैतिक, दूसरा कार्तिक और नायरा, शिवांगी जोशी और मोहसिन खान, तीसरा अभिमन्यु और अक्षरा, हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ और चौथा अभिरा और अरमान, शहजादा दामी और समृद्धि शुक्ला। फैंस को चौथा जनरेशन लीप पसंद ना आने के कारण अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी बहुत ही डाउन हो गई है। इसीलिए चैनल ने ये डिसाइड किया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को ऑफर कर दिया जाए। और अभी सीरियल में बहुत टीआरपी की कंपटीशन है इसीलिए अब चैनल ने ये डिसाइड किया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल ऑफर कर दिया जाए। आप ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को कौन सा जनरेशन लीप आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आप कितना मिस करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।